एंटी मैटर और पदार्थ एक दूसरे से टकराकर नष्ट होते हैं, तब एक ऊर्जा निकलती है जो हमारे शरीर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शक्ति दे सकता है। हम जब भी ये सोचते हैं कि हमने सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया है, तब हमारे सामने हमेशा कुछ नया सामने आ ही जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ब्रह्मांड के 5 अनसुलझे रहस्यों के बारे में बताने जा रहा हूँ। नंबर 5, डार्क मैटर, द स्पाइडर्स वेब। ग्रह, तारे, क्षुद्र ग्रह और आकाशगंगाएं ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम वास्तव में देख सकते हैं, मगर ये ब्रह्मांड का 5% हिस्सा ही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि बाकी 25% हिस्सा एक अजीब पदार्थ है जिसे डार्क मैटर कहा जाता है। हम इसे नहीं देख सकते, हम इसे समझ नहीं पाते हैं, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि यह वहाँ से बाहर है जहाँ सब कुछ गुरुत्वाकर्षण के अनुरूप चलता है। वहाँ ये गुरुत्वाकर्षण को अपने अनुरूप चलाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि डार्क मैटर मकड़ी के जाले की तरह काम करता है, जो एक साथ तेजी से चलती आकाशगंगाओं को पकड़ता है और ये अंतरिक्ष की उपस्थिति को झुकाता है। जिसका मतलब है कि डार्क मैटर एक ऐसी चीज है जो नहीं दिखती है, मगर वो जितनी भी आकाशगंगा है उसे एक स्पाइडर की वेब की तरह जोड़े हुए है। हमारे पास इस बात के बहुत सारे सबूत है कि डार्क मैटर मौजूद है, लेकिन यह क्या है, यह एक रहस्य बना हुआ है। नंबर 4, डार्क एनर्जी, द पॉलीटर्जिस्ट। तो अगर डार्क मैटर ब्रह्मांड का 25% हिस्सा बनाता है और सामान्य पदार्थ 5% हिस्सा है, तो अन्य 70% पदार्थ क्या है? हमें लगता है कि शेष पूरी तरह से डार्क एनर्जी है। डार्क मैटर सभी आकाशगंगाओं को साथ स्पाइडर वेब की तरह जोड़ना चाहती है, मगर इसके विपरीत डार्क एनर्जी सब कुछ को अलग करना चाहती है। हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, लेकिन इसका विस्तार बहुत धीमा हो गया है, जिसका अपराधी वैज्ञानिकों के अनुसार डार्क एनर्जी ही है। लेकिन ये डार्क एनर्जी कहाँ से आ रही है? कुछ का मानना है कि यह क्वांटम कणों के बीच टकराव से उत्पन्न होता है, लेकिन कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता है। नंबर 3, क्वांटम इंटेंगलमेंट, स्मोकी एक्शन। क्वांटम इंटेंगलमेंट शास्त्रीय भौतिकी के लिए थोड़ा उपद्रव है, क्योंकि यह सब कुछ मौलिक कानूनों को तोड़ता है जिन्हें हमने पहले अटूट माना था। इस तरह की विशाल दूरियों से जुड़े कणों के लिए उन्हें एक दूसरे को संकेत भेजना चाहिए जो प्रकाश की गति की तुलना में तेजी से यात्रा करते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये एक असंभव माने जाने वाला कर्तव्य है। ब्रह्मांड के एक तरफ से दूसरी तरफ के किसी कण को प्रवाहित होना बहुत अजीब लगता है। बहरहाल अध्ययनों से पता चलता है कि क्वांटम इंटेंगलमेंट वास्तव में मौजूद है, और भले ही हम इसे ना समझ पाए, फिर भी हम संभवतः इसका उपयोग कर सकते हैं। नंबर 2, स्पेस रोवर, साइलेंट स्क्रीम। अंतरिक्ष में कोई भी आपकी चीख नहीं सुन सकता, क्योंकि अंतरिक्ष एक वैक्यूम की तरह काम करता है। मगर स्पेस रोवर सिर्फ ध्वनि तक ही सीमित नहीं है, यह वास्तव में अजीब रेडियो सिग्नल है जिन्हें हमने पूरे अंतरिक्ष में पाया है। आप रेडियो तरंगों को जानते हैं, हम उनका उपयोग टीवी, सेलफोन, रेडियो आदि में करते हैं। खैर, ऐसा लगता है कि अंतरिक्ष उनमें से भरा हुआ है, जो एक शोर को लात मार रहा है और बहुत से संकेत दे रहा है। ये वैज्ञानिकों के लिए काफी उलझनों से भरा पड़ा है। तो ये स्पेस रोवर कहाँ से आ रही है? कुछ लोगों का मानना है कि यह प्रारंभिक तारों से बचे हुए विकिरण है, मगर ये सिर्फ लोगों का मानना है। असलियत क्या है, वह अभी भी रहस्य बना हुआ है। नंबर 1, एंटी मैटर, द एविल ट्विंस। विपरीत जमीन में खुद की कल्पना करें, काला सफेद है, ऊपर नीचे है और पदार्थ एंटी मैटर है। यह पागल बनाने सा लगता है, लेकिन यह सच है। उप परमाणु कण जो हमारे चारों ओर सब कुछ बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सभी में 2 जुड़वा होते हैं। एंटी मैटर कण समान कणों के समान द्रव्यमान होते हैं, लेकिन उनमें विपरीत विद्युत आवेश होता है। ये एंटी मैटर समान पदार्थ से ज्यादा शक्तिशाली है, जिसका मतलब है जब ये दोनों टकराते हैं, तब एंटी मैटर समान पदार्थ को मिटा देता है। इसलिए एंटी मैटर में वह क्षमता होती है जो हमें और हमारी हर चीज को नष्ट कर सकती है, लेकिन इससे डर नहीं है, क्योंकि यह ब्रह्मांड में बहुत कम मात्रा में मौजूद है। इसके विपरीत एंटी मैटर भी उपयोगी साबित हो सकता है। जब एंटी मैटर और पदार्थ एक दूसरे से टकराकर नष्ट होते हैं, तब एक ऊर्जा निकलती है जो हमारे शरीर को